क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी समाज की तरफ से पहले धन्यवाद देता हूँ, आभार धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं अग्रहरी समाज का आज स्नेह और प्यार हमारे बड़े ही आदरणीय पूजनीय बड़े भ्राता श्री राम जी पिता तुल्य विराजमान हैं, और हमारे बड़े भ्राता श्रीमान राजेश मसाला जी, मैं इनको दिल की गहराइयों से नमन बंदन करता हूँ कि उन्होंने आज आशीर्वाद देने मुझे आए। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, हमारे परम पूजनीय माँ विंध्यवासिनी के धाम से, और यहाँ के सम्मानित और आदरणीय श्रद्धेय विधायक आदरणीय श्री रत्नाकर मिश्रा जी को हमें आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। मैं इनके कमलवत चरणों में पहले तो प्रणाम करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी मैया को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाता हूँ। मैया की जय। मैं आज अपने समाज को अध्यक्ष चयनित होने के बाद पूरे समाज के जितने लोग यहाँ आए हैं, हमारे से जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके कमलवत चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। जो लोग हमसे छोटे हैं उनको अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार भेजता हूँ, और आप निवेदन करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि उन्होंने जो आज प्यार प्रेम स्नेह दे करके जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को जिस रूप में उन्होंने दिया है, मैं ब्याज उसे वापस करने का काम करूँगा और समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। एकता हम अपने समाज में पूरी तरह से, आज राजेश भैया ने, मसाला वालों ने आकर के ये बात कही है कि समाज एक होना चाहिए, मैं उनको छत्र छाया में उनकी इस वाणी को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है मुझसे 3 घंटे पहले ही स्टेटमेंट दे करके, मैं चाहूँगा वो नेतृत्व करें और वो बड़े भाई हैं आगे बढ़ें, अब छोटा भाई मैं हूँ, मैं उनके साथ कदम में कदम मिलाकर समाज को एक करने का काम करूँगा और समाज को आगे बढ़ाने का काम। कितने लोग विजयी हुए सर आपके साथ, जो कार्यकारिणी के लोग और हमारे साथ? ये पूरे समाज का 3 पद का चुनाव था, अध्यक्ष केंद्रीय और महामंत्री केंद्रीय और कोषाध्यक्ष केंद्रीय, 3 पद पर चुनाव हुआ है और 3 प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हमारे साथ के जो प्रत्याशी, मैं सुभाष चंद्र अग्रहरी उत्तराखंड से अध्यक्ष पद प्रत्याशी हुआ हूं, मेरे साथ जो विजयी हुए हैं बहुत ही आदरणीय हमारे भाई, बहुत तेज तर्रार और समाज को बहुत गति देने वाले, पूर्व 2500 वर्ष से मैं जानता हूं उनको, आदरणीय श्रीमान अशोक अग्रहरी जी बनारस से महामंत्री सम्मानित हुए हैं, और हमारे कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य हैं वो, लेकिन उनके अंदर इतनी कर्मठता है और लगता है वो कार्य करेंगे। ये पब्लिक और हमारे समाज के लोगों का प्यार, इसने इतना मत देके उन्हें विजयी बनाया, आदरणीय श्रीमान घनश्याम अग्रहरी जी कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। सर आप अध्यक्ष चुने गए, लोग आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक योगी जी के बारे में आपने बात किया है, तो मैं आपसे यही हमारे समाज की तरफ से एज ए अध्यक्ष मैं आग्रह करूंगा उनसे, हमारा ये मैसेज उनके पास पहुंचे कि हमारे समाज का जिस तरीके से उन्होंने अगुवाई दे करके, हमारे बड़े भाई विराजमान है हमारे बगल भाई तरफ, उन्होंने उनको सम्मान दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष पद से सृजित हुए, इसी तरह से हमारे समाज को उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, हमारे लोगों को टिकट देना चाहिए। हमारे लोग इस बात से उत्सुक हैं और हमारा समाज का लोगों का बहुत ज़्यादा हर विधानसभा में मतदाता हैं, अगर वो हमें 10-20 टिकट भी देंगे प्रदेश में, तो पूरे प्रदेश में हमारे समाज का पूरा वोट उनको मिलेगा, और जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, और मेरे समाज के लिए भी ऐसा अगर वो करेंगे तो अति फायदेमंद होगा। विंध्य क्षेत्र में सर आप विजयी हुए हैं, क्या ये आपके लिए यादगार पल है? विंध्य क्षेत्र हमारा जन्म स्थान है, विंध्य क्षेत्र से मैं रहता हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर बगल भीटी गाँव है, वहाँ का मैं पैदाइशी जन्म रहने वाला हूँ, और विंध्य माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत को बहुत ही नमन करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, और माँ से कहता हूँ इस भूमि से हमारे समाज को, हमारे लोगों को, जो आज ये देखा जाता है कि पीछे हैं या पिछड़ी स्थितियों में हैं, वो आशीर्वाद दे माँ कि हमारा समाज इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि राजेश भैया का जो आज अरमान है वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आपकी समाज में प्रमुख प्राथमिकता क्या है, क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मेरी प्रमुखता अगर आप पूछते हैं तो मैं आग्रह के साथ भी बताना चाहता हूं कि हम उन 4 बेटियों का पिता हूं, जब एक नारा आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब से ये नारा जब आया आज से 20-25 साल पहले, मैं उन 4 बेटियों का पिता हूँ कि मेरी बेटियाँ, मैं इस नारा से पहले उस अभियान को लागू किया, मेरी बेटियां IAS हैं, PCSJ हैं, IAS डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं,
और मैं अपने समाज को यही दिशा दूंगा, यही नारा दूंगा, यही काम दूंगा कि हमारे समाज का एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक भाई उच्च शिक्षित हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करे और उच्च शिक्षित हो। और मेरा समाज, मेरा नेतृत्व आगे आने वाले दिनों में पूरी तरह से उनके शिक्षा में जो भी बाधा आएगी उसको दूर करने का काम करेंगे। हम राजे आदरणीय राजेश भैया से सहयोग लेते हुए इनके इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। शिक्षा पर हमारा विशेष जोर होगा और आगे आने वाले दिन में, अभी तक हमारे समाज का एक केंद्रीय कार्यालय नहीं है। मैं अपने समाज के पूरे लोगों से, एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के, एक एक रुपया भी मांग के अपने केंद्रीय कार्यालय बनाने का कार्य करूँगा।